मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मकोका जैसा कानून बनेगा। मंत्री ने कहा कि सचिन यादव ने 2,00,000 टन की मांग की है। केंद्र से राइट टू वाटर के तहत घर घर पानी पहुंचाने की योजना है। शर्मा ने कहा कि पासपोर्ट में कमल का निशान लगाना सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। एनआरसी को संविधान के विपरीत बताया, कहा धर्म के आधार पर नागरिकता देना गलत है। शर्मा ने कहा कि अधिकारियों को सांसद और विधायकों का सम्मान करना चाहिए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। पूर्ति और समितियों के पास खाद की कमी के कारण निजी विक्रेताओं को 12 जिलों में जहां कमी आ रही है, कोटा 20 से बढ़ा के 40% कर दिया गया है। और किसानों को राहत देने के लिए जो समितियां हैं उसमें नगद राशि से भी खाद दिया जाएगा, ये तय किया गया है। इसके अलावा राइट टू वाटर सरकार ने जो बनाया है मेगा प्लान, उसमें 4 साल में हर गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और 2 साल में 68,000 करोड़ रुपए की योजना है, जो गांव में घर घर पानी मिले ये योजना सरकार ने तय की है। समाप्त हुआ है उसको पुनः स्थापित करना और जनता का विश्वास जीतना, ये मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। और इसमें प्रशासन और पुलिस को फ्री हैंड हर शहर में माफिया के खिलाफ दिया जाएगा, उसकी लिस्ट बनेगी और हर स्तर पर इसमें मॉनिटरिंग होगी और डीजीपी सीएसओ सीएम इस पर पूरी नज़र रखेंगे और जिलों के एसपी रोज माफिया पर की गई कार्रवाई के बारे में जो कंट्रोल रूम होगा पुलिस मुख्यालय का उसको जानकारी देते रहेंगे। दूसरा, एक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी लाभ मिलेगा, ये तय किया गया है। उसकी मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी। यूरिया के मामले में कृषि मंत्री सचिन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक मंत्री से भेंट की है और उन्होंने लंबित 2,00,000 टन यूरिया को यथाशीघ्र आपूर्ति करने की मांग की है। निश्चित तौर हम तो संविधान के समर्थन में, संविधान ये कहता है सब। ये उनका अपना बयान था या पार्टी सहमत उनके बयान से? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, एनआरसी का जहाँ तक सवाल है अभी कोई मध्य प्रदेश में लागू हुआ नहीं है और इस पे सरकार वॉच कर रही है और जो भी पार्टी का स्टैंड ऑल इंडिया में होगा वो किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर से आप समर्थन करते हैं? व्यक्तिगत तौर से आप समर्थन करते हैं? हम समर्थन करते हैं संविधान का और संविधान में ये जाति और धर्म के आधार पे कोई सिटीजनशिप नहीं दी जाती, ये सबके लिए बराबर है। सर अभी बेसिकली सर मध्य प्रदेश में किसान परेशान है ओला पानी के कारण, अब फिर यहाँ पर बारिश और ओला हो गया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए हैं सभी कलेक्टर्स को कि ये इस पर पूरा वॉच करें कहाँ कितनी दिक्कत आई है। और वैसे ही केंद्र की सरकार ने जो 16,000 करोड़ हमारा बन रहा था उसमें जब उनकी टीम आई केंद्र की तो उनने उसको करीब 6-7 करोड़ की मान्यता दी, उसका पैसा दिया नहीं है। और ये सब मुसीबत जितनी भी आ रही है उसके बाद जो उनको मदद करना चाहिए या खाद की आ रही है, ये सब केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सर जो मध्य प्रदेश की जो किसान है जगह जगह बात कर रहे हैं, भीड़ लग रही है, वो मतलब किसानों पे एक तरह से आरोप लगा रहे हैं, कमी है। इन लोगों का अगर आपूर्ति पूरी हुई होती तो मैं समझता हूँ कोई अतिरिक्त खाद की आवश्यकता नहीं थी। और ये मध्य प्रदेश जो है इसमें खेती के मामले में होशंगाबाद और हरदा जिले की बात करें, जिस तरह की खेती होती है, आधुनिक खेती होती है, उसमें खाद लगता है। अगर 2,00,000 टन मंग रहे हैं देने में दिक्कत क्या है, वो दें जिससे कि किसानों को वितरित हो सके। भाई किसानों को परेशानी है इसलिए तो ये निर्णय लिया गया और मंत्री जी वहाँ मिले, और उस इसीलिए हमने उसको आसान किया है कि समितियों को भी दे दिया है, नगद पे देने भी दिया जाएगा। ये प्राथमिकता किसान को खाद मिले कुछ नहीं होगा। ये अगर इनने जब भी फ्लोर टेस्ट कराया तो विप को तोड़ के लोग दिखेंगे, तोड़ते हुए दिखेंगे। मैं कह रहा हूँ जब भी फ्लोर टेस्ट ये करेंगे ये मान के चलिए कि विप को तोड़ते हुए लोग दिखेंगे। कितने लोग दिखेंगे सर? ये तो गिनती आप लगा सर, पत्रकारिता विश्वविद्यालय में दखल का अधिकार देने के लिए राज्यपाल को
राज्यपाल को अधिकार देने के लिए एक बार संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता। नहीं, उसमें जो वाइस चांसलर्स की नॉमिनेट किया जाता है, वैसे भी वाइस चांसलर गवर्नर साहब ही उनको नॉमिनेट करते हैं, उसकी कमेटी में एक वाइस चांसलर गवर्नर साहब जिसके अनुशंसा करेंगे वो आएगा, तो वैसे था तो भी ठीक था और ये भी ठीक है। नाराजगी नहीं जताई थी, उन्होंने कहा ये जो चेंज किया इसकी आवश्यकता नहीं है, और उसमें एक्चुअली बात यही थी कि जितने वाइस चांसलर अपॉइंट होते हैं वो गवर्नर साहब के अनुशंसा से होते हैं, तो एक्स बने वाई बने जेड बने कोई फर्क नहीं था, इसलिए उसको प्रक्रिया में देरी नहीं है उसलिए किया गया था। लेकिन अब उसमें ये कर दिया कि गवर्नर साहब ही जिन जो उनने अपॉइंट किए हैं उनमें से जिसको चाहें वो उसमें उसका मेंबर बना सकते हैं। सर, कल मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली थी जिसमें डीजीपी, मुख्य सचिव और जितने भी बड़े शहर हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सभी के आईजी और बड़े अधिकारी उसमें थे, गृह मंत्री जी थे, और ये तय किया है कि जो महाराष्ट्र का एक मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट है उसकी तरह ही एक एक्ट मध्य प्रदेश में बनेगा और जितने भी संगठित अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए एक कारगर कानून होगा। ये इसमें अवैध कब्जे, अवैध कारोबार, अवैध कॉलोनी काटना, ब्लैक मेलिंग, नशे कारोबार, मिलावटी साज की जमीन पर कब्जा, चिटफंड जैसे अवैधानिक जितने भी कार्य होंगे इस पे वैसे साल भर में लगातार एक्शन हुआ है मिलावट के मामले में, अवैध कब्जों के मामले में, और इसको सख्त कानून बना के उस कानून के तहत एक्शन होगा जिससे एक कानून का राज पूरी तरह से मध्य प्रदेश में स्थापित हो सके जो 15 साल में सरकार लागू करेगी। सर, अपने यहाँ पर एनआरसी देखो, एनआरसी भाई पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का स्टैंड वहां पे बड़ा क्लियर रहा है कि आप किसी को भी सिटीजनशिप दे रहे हैं तो जाति आधार पे और धर्म के आधार पे नहीं दे सकते, ये हमारा संविधान बोल रहा है। ये संविधान बड़ा है, एक चीज वहां पास कर दी गई है, लेकिन इसको हम लोग इसको वॉच कर रहे हैं और जो भी हमारी पार्टी का स्टैंड होगा उसमें करेंगे। विधायक जी ने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की है उस मामले में, लेकिन इसमें जो भी स्टैंड आएगा उस पे हाई कमांड का पंजाब ने मना कर दिया है, पश्चिम बंगाल ने मना कर दिया, छत्तीसगढ़ में सर टीएस सिंह जो मंत्री वो बोल रहे हैं कि लागू नहीं करेंगे यहां भी। इसी तरह से जो ये ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सोनिया जी जो स्टैंड लेंगी वो होगा उसमें, अभी कौन सा लागू कौन सा हो गया सरकार विधायक जी के समर्थन में। निश्चित तौर पर आज मध्य प्रदेश से लगभग 50,000 लोग वहां पर पहुंचेंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ये इस तरह का कोई पहला प्रदर्शन है, और भोपाल से एक स्पेशल ट्रेन जा रही है इसमें हम लोग सब जाएंगे, आप लोग भी आमंत्रित। ये तो पहले ही करना था, अभी तो जेडी ने अभी जारी किया है, लेकिन ये शिष्टाचार में आता है, एक चुनाव हुआ प्रतिनिधि है एमएलए या सांसद इसको 2.5 लाख और 20 लाख लोग चुनते हैं और वही कानून बनाते हैं देश में और प्रदेश में, तो मैं समझता हूँ कि जब आप और उन्हीं कानूनों का पालन होता है तो और उन कानूनों का पालन अधिकारियों के माध्यम से होता है तो निश्चित तौर पर अधिकारी को उनको सम्मान देना चाहिए, उनके फोन उठाना चाहिए। आपत्ति है कि पासपोर्ट में कमल का चिन्ह केंद्र सरकार ने लगाया है, अभी भी इनको इतना बहुमत मिलने के बाद विश्वास नहीं है अपने आप पे, तो कमल को प्रचारित करने की इस तरह से कोशिश कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि सरकार की मंशाओं पर ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।